गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे बैक काउंटिंग 32 1। आज हम क्या करेंगे, बैक काउंटिंग 32 1। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब भी हम बैक काउंटिंग लिख रहे होते हैं, आपको ये ध्यान रखना होता है कि हमें बैक में जाना होता है, यानी अगर हम 1 to 10 काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग मैम आपको बोलती हैं, तो आपको 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बैक बोल रहे होते हैं, बैक काउंटिंग, एट दैट टाइम यू नीड टू रिमेंबर, आपको बैक से स्टार्ट करना पड़ता है, यानी 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। नाउ अभी इसमें क्या दिया हुआ, 32 1, तो हम 30 से स्टार्ट करेंगे और 30 से स्टार्ट करते हुए हम बैक काउंटिंग लिखेंगे, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। 30 30 29 29, 2 8 28, 2 7 27, 2 6 26, 2 5 25, 2 4 24, 2 3 23, 2 2 22, 2 1 21। चलिए नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। अब हम 20 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे बैक। 2 0 20, 1 9 19, 1 8 18, 1 7 17, 1 6 16, 1 5 15, 1 4 14, 1 3 13, 1 2 12, 1 1 11। अब हम बैक काउंटिंग 10 to 1 करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके, ठीक है। तो अब फिर से हम रिवाइज करेंगे एक बार। 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। So in that way you have to write back counting in your notebook. Okay students, till then take care, bye bye.